नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता और स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे टेस्टी सा यम्मी सा दिखने वाला कस्टर्ड, जिसको हम बनाएंगे बटर स्कॉच फ्लेवर में। तो बटर स्कॉच है तो स्वीट कैरेमल तो डालनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें गार्निश किया है इसको स्वीट कैरेमल और किशमिश और बादाम के साथ। और इसमें डाली है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सा बटरस्कॉच कस्टर्ड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए बनाते हैं ये बटरस्कॉच कस्टर्ड। बटरस्कॉच कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे दूध, और 2 लीटर दूध लेंगे हम। और इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। दूध को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम एक पैन में डालेंगे चीनी कैरमल बनाने के लिए। जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम लेंगे ये थोड़े से काजू, और इनको हम मोटा मोटा काट लेंगे कैरेमल में डालने के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं बटर स्कॉच कस्टर्ड। इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और कैरमेल बनाएंगे हम, उसको डालेंगे हम इसमें। शुगर हमारी मेल्ट हो रही है और हम इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि ये एकदम अच्छे से सारी मेल्ट हो जाए। और बीच में जैसे ये डलियां हैं बना रहे हैं, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है अच्छे से और ये ब्राउन कलर की भी हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे अब हम, ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है और इसका छोटा सा एक टुकड़ा इसमें डाल देंगे। और इसको पूरे में मिला लेंगे और साथ ही साथ डाल देंगे ये काजू और बादाम जो मैंने चॉप करके रखे हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे हम। और गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी कैरमल रेडी हो चुकी है। और अब लेंगे एक प्लेट, मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है पहले से, और ये पूरी कैरमल हम इस पर डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडी होती है तब तक हमारा दूध भी बॉईल हो गया है, और दूध में डालेंगे अब हम चीनी। दूध में डालेंगे अब हम 2 कप चीनी के, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पास 2 लीटर दूध है तो मैंने 2 कप चीनी के डाले हैं, और एक बाउल में रखा था मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध बचा के, उसमें से जो मैंने 2 लीटर दूध डाला था उसमें से ये बाउल बचा लिया था। तो इसमें डालेंगे अब हम ये कस्टर्ड पाउडर बटर स्कॉच का, इसको डाल देंगे हम इसमें बाउल में, और इसको मिक्स कर देंगे इसमें घोल के हिला हिला के। इसमें गांठे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल इसका स्मूथ घोल बनना चाहिए,
वरना वो गांठें हमारी गर्म दूध में ऐसी ही रह जाती है। और डाल लेंगे हम, मेरे पास 2 लीटर है तो दूध, तो मैंने पूरे पैकेट का यूज़ किया है। दो लीटर दूध के लिए 75 ग्राम कस्टर्ड पाउडर काफ़ी है, तो मैंने इसका पूरा पैकेट यूज़ किया है। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। अब इस कस्टर्ड पाउडर को हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे दूध में, बॉईल होते हुए दूध में, और इसको हिलाते जाएंगे। और इसको अब हम कंटिन्यूसली हिलाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड नीचे बेस पे ना जमे। सो कंटिन्यूसली हिलाते हुए बॉईल करेंगे इसको हम, और जब हमारा इसमें 1 बॉईल या 2 बॉईल आ जाएंगे तो हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और इसमें 2-3 उबाल आ गए हैं और हमारे कस्टर्ड के पत्ते की खुशबू भी आ गई है। तो इसमें डालूंगी मैं ये थोड़े से बादाम और काजू, मैंने चॉप कर लिए हैं, और थोड़ी सी है ये किशमिश, उसको भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए पहले रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और उसके बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे 1.5-2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। कस्टर्ड को हम जाली से ढक देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारा कस्टर्ड रेडी है, हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ठंडे होने के लिए, और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब लेंगे हम जो हमने शुगर कैरमल बनाई थी, इसमें काजू और बादाम डाल के इसको ले लेंगे, और ऐसी एक पन्नी ले लेंगे हम और पन्नी के अंदर इसे डाल देंगे हम। इसको ऐसे हमने पन्नी में ले लिया है और इसको हम क्रश कर देंगे बेलन की हेल्प से। और ये निकाल लेंगे हम एक बाउल में, और ये शुगर कैरमल अब डाल देंगे हम इसमें कस्टर्ड में। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब हम इस कस्टर्ड को खाएंगे तो इसमें बीच में जो कैरेमल का क्रंचीनेस आएगी जो, वो बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसे हम इसमें, तो लीजिए रेडी है हमारा ये बटर स्कॉच कस्टर्ड, और मैंने इसे गार्निश किया है स्वीट कैरमल से और थोड़े से किशमिश और थोड़े बादाम से। और रेडी हो गया 5 मिनट में, और उसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था, तो एकदम चिल्ड हो गया है ये। तो हम करते हैं अपने कस्टर्ड को एंजॉय, और आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हमेशा खुश रहिए।